हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड 50 कंप्यूटर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी अपन SSB TGT एंड OSSE LTR एग्जाम पई मोस्ट इम्पोर्टेंट रहइबो। ता सहित अपन SST JT फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम पई मते इम्पोर्टेंट रहइबो। एथेरे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। आपन आउट ऑफ 50 50 रु केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। ई होची मॉक टेस्ट नंबर 1। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन सहित। फर्स्ट क्वेश्चन रहिची आप माने पई, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेयर द IBM सीरीज एंड एप्पल। से कहू जे IBM सीरीज आ एप्पल ए गुडा को जनरेशन कंप्यूटर समय रे से पचारिची। व्हिच जेनरेशन कंप्यूटर वेयर IBM सीरीज एंड एप्पल। तो IBM सीरीज आउ एप्पल कौ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आम रही ना, यहाँ आम फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर, फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द स्पीड ऑफ RAM इज एक्सप्रेस्ड इन। तो से कहे आम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM रो फुल फॉर्म हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बा RAM को, RAM रो जो स्पीड अच्छी केमती एक्सप्रेस करवा, RAM स्पीड को केमती कौथे एक्सप्रेस करा जाए ना, आमर नानो सेकेंड्स रे एक्सप्रेस करा जाए। कौन हम ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर, नानो सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु डिजाइन द डिफरेंस इंजिन एंड आनालीटिकाल इंजिन। से कहे डिफरेंस इंजिन आउ आनालीटिकाल इंजिन को किए निर्माण करते, किए बनई से पचार। डिफरेंस इंजिन एंड आनालीटिकाल इंजिन बोथ किए बनते, ए दुईटा जाक बनई चार्ल्स बाबेज। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर, चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर रियल वर्क ऑन ए मेन फ्रेम। से कहे मेन फ्रेम कंप्यूटर रे रियल वर्क यूज करा देइछबा प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम रो नाम कौन। मेन फ्रेम कंप्यूटर रे रियल वर्क व्यवहार करा देइथिबा प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम होउछि GMNAAI/O। ऑप्शन नंबर बी होउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रेफर टू एज मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर। से कहे या भितर कौटा को आम कंप्यूटर मेन मेमोरी बोली रेफर करा जाए, कौटा कंप्यूटर गोटे मेन मेमोरी अटे से पचार। कंपोनेंटा HDD अच्छी, USB अच्छी, RAM अच्छी, CD अच्छी। तो कौन हम ना, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी होची कंप्यूटर रो मेन मेमोरी, RAM होची कंप्यूटर रो मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी हैला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को क्लोज करिया पई को शॉर्टकट की आमे प्रेस करिबा। पावर पॉइंट को जदि आमे क्लोज करिया को चाहुंछंती तारे आमे कोन करिबा ना, कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की आमे मारिबा। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर, कंट्रोल प्लस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर। से कहे जे आमर या एठी से कहे कौ जेनरेशन रे आमर कंप्यूटर कौ जेनरेशन रे इंट्रोड्यूस होता पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर। तो पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर आम इंट्रोड्यूस कौटी ना, फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर रे। फिफ्थ जेनरेशन कंप्यूटर रे पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर को यूज करा जाइछि। तो ऑप्शन नंबर डी होउछि करेक्ट आंसर, फिफ्थ जेनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हाउ मेनी बाइनरी डिजिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट ऑल 16 हेक्साडेसिमल सिंबल्स। से कहे कतोटी बाइनरी डिजिट द्वारा आम कतोटी बाइनरी डिजिट आमको आवश्यक पड़ो आमर जो समस्त 16 हेक्साडेसिमल सिंबल को आमर रिप्रेजेंट करने। तो करेक्ट आंसर होची 4 बाइनरी डिजिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट ऑल 16 हेक्साडेसिमल सिंबल्स। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच कमांड्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेन मेमोरी। कौ कमांड्स डा ऑटोमेटिकली लोड हो जाउची मेन मेमोरी रे, इनटू मेन मेमोरी। तो देखो इंटरनल ना एक्सटर्नल ना वायरल ना सिचुएशनल। तो करेक्ट आंसर होची इंटरनल कमांड्स आर ऑटोमेटिकली लोडेड इनटू मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर, इंटरनल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, द फास्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज डिजाइंड बाय।
से कहे फास्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को किए डिजाइन करते किए बनईला फास्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को बनईला किए से हूँ जेरेक्स कॉर्पोरेशन बनईला फास्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑप्शन नंबर 3 हूँ करेक्ट आंसर जेरेक्स कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम या भितर कौटा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे से पचार लिनक्स यूनिक्स इंटेल विंडोज तो देखो लिनक्स यूनिक्स एगुड़ा तो आम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम किंतु इंटेल नुह इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या भितर कौटा गोटे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे एंड्रॉइड सफारी सिम्बियन आईओएस iOS ये आम आईफोन यूज हो सीम्बियान आम मोबाइल यूज होंड्रॉइड मैं आंड्रॉइड मोबाइल बर्तमान जहाँकि आम यूज करगुड़ा सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अटे कि सफारीटा गोटे वेब ब्राउजर अटे ये गोटे ब्राउजर अटे यहाँ गोटे वेब ब्राउजर तो सफारीटा आम के ऑपरेटिंग सिस्टम नुह ये गोटे ब्राउजर अटे ऑप्शन नंबर 2 हूँ करेक्ट आंसर सफारी इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सफारी इज ए गुड वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस या भितर कौटा गोटे वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस अटे से पचार नेटफ्लिक्स रही हुलु रही अमेज़न प्राइम वीडियो रही ऑल ऑफ द अबव रही तो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस होमर नेटफ्लिक्स हूँ हुलु गोटे अमेज़न प्राइम तो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी होल अफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट या भितर कौटे गोटे सोशल नेटवर्किंग साइट अटे से पचार फेसबुक देती ट्विटर देती लिंक्डइन आउ ऑल ऑफ द अबव तो सोशल नेटवर्किंग साइट कौटा फेसबुक आम सोशल नेटवर्किंग साइट आम यूज कर ट्विटर यूज कर लिंक्डइन यूज कर लिंक्डइन तो ऑप्शन नंबर डी होल अफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट ईमेल से कौच इंटरनेट ईमेल सहित कौ टर्मटा कौ शब्दा संपर्कित अटे इंटरनेट ईमेल कौ टर्मटा आम यूज कर प्लटर स्लाइड प्रेजेंटेशन बुकमार्क पाइचार्ट तो आम इंटरनेट ईमेल आम बुकमार्कटा शुणी आ पाइचार्ट नुह स्लाइड प्रेजेंटेशन नु प्लटर नु बुकमार्कटा रिलेटेड अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक व्हिच इज करेन्टली द नंबर वन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इन इंडिया से कहे जे फेसबुक हूँ इंडिया रे एक नंबर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अटे तो तार वर्तमान मालिक किए तार संस्थापक किए तार फाउंडर किए से पचार वर्तमान तार फाउंडर किए तार फाउंडर होती मार्क जुकरबर्ग ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर फाउंडर एंड ओनर होती मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या भितर कौटा गोटे ईमेल सर्विस प्रोवाइड करूनी कौटे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नुहे क्या माध्यम आपण मैंने ईमेल करें ना देखो हॉटमेल रही जीमेल रही विंग रही याहू मेल रही तो देखु हॉटमेल जीमेल याहू मेल एगुड़ाक आम ईमेल पठे पारा यहाँ द्वारा एगुड़ाक हूँ ईमेल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर किंतु विंग इज नॉट ए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर विंग इज ए सर्च इंजिन बाय माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट रो गोटे सर्च इंजिन हूँ विंग ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर विंग इज नॉट ए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर विंग इज ए सर्च इंजिन मन रखे विंग गोटे सर्च इंजिन से आम एग्जाम पचार कौटा सर्च इंजिन अटे तो विंग हूँ सर्च इंजिन आउ बाकी तीन टाइम जाकर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर अटे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर तो या भितर कौटा गोटे हार्डवेयर नुहे से पचार हार्डवेयर कौटा नुहे एन MP3 फाइल्स ए कीबोर्ड ए माउस और प्रिंटर कौटा हार्डवेयर नुहे से पचार तो कीबोर्ड माउस प्रिंटर एगुड़ा तो हार्डवेयर अटे तो बाकी कौटा रहा ऑप्शन नंबर ए एन ईमेल सॉरी एन MP3 फाइलटा आमर हार्डवेयर नुहे MP3 फाइलटा हार्डवेयर नुहे ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर बाकी आम तीन टा जाक हार्डवेयर अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉइंग्स और इमेज सच एज ए कंस्ट्रक्शन प्लांस ब्लू प्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा
ସେ କହୁଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରଇଂ କିମ୍ବା ଇମେଜ୍କୁ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆମର ମେକାନିକାଲ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା, କେଉଁଥିରେ ବନେଇ ପାରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରଇଂ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ବନେଇ ପାରିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ନା ପ୍ଲଟର୍ରେ ନା ଏମ୍ଆଇସିଆର୍ ନା ଓସିଆର୍, ତ କେଉଁଥିରେ ବନେଇ ପାରିବା ନା ପ୍ଲଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ପ୍ଲଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହୁଏ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ପେନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେଥିରେ ଡ୍ରଇଂ ହୋଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲର୍ର ପେନ୍ ଥାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, କେଉଁଥିରେ କେଉଁ କଲର୍ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ, ପ୍ଲଟର୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସେ କହୁଛି ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ର ଇନଭେଣ୍ଟର୍ କିଏ, ତାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ, ଥ୍ରୀ ଡି ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଇନଭେଣ୍ଟର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ ହଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ଇନ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍, ସେ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଇମେଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କେଉଁଟା, ଇମେଜ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହୁଛି ପିକ୍ସେଲ, କେଉଁଟା ନା ପିକ୍ସେଲ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପିକ୍ସେଲ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ବାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିପିଟ୍ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ ମାର୍କ୍ସ ଅନ୍ ପେପର, ସେ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ପେପର୍ ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପେପର୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ତା'ର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆମର OMR, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ତ OMR ସିଟ୍ ରହୁଛି, OMR ସିଟ୍ର OMR ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କ ରିକଗ୍ନିସନ୍, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କ ରିକଗ୍ନିସନ୍ OMR ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛୁ ତା'ର ପେପର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, OMR, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଏ ଜଏଷ୍ଟିକ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପର୍ପୋଜ୍, ସେ କହୁଛି ଜଏଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଚାରିଛି। ଜଏଷ୍ଟିକ୍ଟା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମିଂ ପାଇଁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମିଂ ପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଏଷ୍ଟିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗେମିଂ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍, ସେ କହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ଟା ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ଅଟେ, ଇନପୁଟ୍ ନା ଆଉଟପୁଟ୍ ନା ପଏଣ୍ଟିଂ ନା ବୋଥ୍ ଏଣ୍ଡ ସି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଉସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ତା ସହିତ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଛି, ତ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଆମର ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛି, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ବୋଥ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍, ଇନପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତା ସହିତ ପଏଣ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପଏଣ୍ଟିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଆଉ ଇନପୁଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱିଥ୍ ଦ CPU, ସେ କହୁଛି CPU ସହିତ କେଉଁ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛି, CPU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରୁଛୁ ବହୁତ ଥର, CPU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, CPU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛି, ତ CPU ସହିତ କେଉଁ ମେମୋରି ୟୁନିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମେମୋରି, CPU ସହିତ ମେନ୍ ମେମୋରି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଛି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ମେନ୍ ମେମୋରି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଷ୍ଟୋରିଂ ଡାଟା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ କରେଣ୍ଟଲି ବିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ CPU, ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆମର କେଉଁ ମେମୋରିଟା ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି କରେଣ୍ଟଲି ବିଙ୍ଗ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟେଡ୍ ବାଇ CPU ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତ କେଉଁ ମେମୋରି ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଆମର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରି ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମେମୋରି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନା RAM କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିଏମ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେବ, ଡିଏମ୍ଏର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମେମୋରି ଆକ୍ସେସ୍,
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्शन एंड बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज आमर पावर कट हो जाऊर जो करेन्ट पड़ो पावर ऑफ हो जाऊँगी से समय आमर कौ डिवाइसटा आमको सर्ज प्रोटेक्शन दौर ता सहित बैटरी बैकअप आमर पावर पर दौर माने आमर करेन्ट पलैले पावर ऑफ हेले आमको पावर दौर सी बैटरी बैकअप हो सर्ज प्रोटेक्शन दौर किए ना आमर यूपीएस दौर कौन ना यूपीएस यूपीएस फुल फॉर्म हो अन इंटरपुटेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से कहे कौटा गोटे कंप्यूटर सिस्टम रो अंतरंग अंश नुहे माने इंपोर्टेंट पार्ट नुह सीपीयू माउस मॉनिटर यूपीएस कौटा से इंपोर्टेंट नुहे से पचारी तो देखो सीपीयू तो मेन कंप्यूटर मेन हूँ सीपीयू तापर माउस आ मॉनिटर मॉनिटर ए तीन टा तो इंपोर्टेंट अटे ए तीन टा जाक इंटेग्रल पार्ट अटे किंतु यूपीएसटा से इंपोर्टेंस ना यूपीएस तार इंटेग्रल पार्ट नुहे एटा केवल आम करेन्ट पड़े करेन्ट अफ हो गले पावर अफ हेले ये आमको कौन कह पावर बैकअप करुच्छे बैटरी बैकअप करुच तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर यूपीएस इज नॉट द यूपीएस इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच की इज यूज टू इरेज डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन से कहे कंप्यूटर मेमोरी एवं जो स्क्रीन ऊपर जो कैरेक्टर रोचे से गुड़ाक इरेज करने से जो डाटा को इरेज करने आम कौ यूज कर कौ की यूज करवा आम कंप्यूटर मेमोरी एंड कैरेक्टर स्क्रीन जो रोचे से गुड़ाक इरेज कर से डाटा को सब इरेज करने कौन करवा ना डिलीट की यूज करज करा मैंने डिलीट की यूज करट कले सब गुड़ाक इरेज हो डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू स्टार्ट मेनु को ओपन करिया पे को शॉर्टकट की यूज करिबा स्टार्ट मेनु को ओपन करिया पे हमें को की यूज करिबा ना हमें विंडोज की यूज करिबा विंडोज की यूज करिबा ऑप्शन नंबर ए होच करेक्ट आंसर विंडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच की इज यूज टू इंटेंड ए पाराग्राफ पाराग्राफ उद्देश्य रे को की यूज करा जाए पाराग्राफ उद्देश्य रे हमें को की व्यवहार करू तो आम कौ की यूज करा ना टैब की यूज करा कौ की टैब की यूज करा ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच कीज आर अल्सो नोन एज टगल कीज या भितर क्या टगल की बोली कह जाए से पचार कौ गुड़ाक टगल की तो देखो आमर करेक्ट आंसर जो कौन ना ऑप्शन नंबर ए कैप्स लॉक हो नम लॉक हो गए स्क्रॉल लॉक SCROLL स्क्रॉल लॉक ये तीन टा जाक आम कौन ना टगल कीज अटे तो स्क्रॉल लॉक देनी बाकी दुटा दे तो दुटा जाक आम कौन हम ना टगल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर अल्सो नोन एज मॉडिफायर कीज से कह या भितर कौटा गोटे मॉडिफायर की अटे से पचारि क्या मॉडिफायर कीज कह जाए शिफ्ट दे कंट्रोल अल्टरनेट दे ऑल ऑफ द एबव दे तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव कहीं शिफ्ट कंट्रोल अल्ट सब गुड़ाक आम कहुए मॉडिफायर कीज तो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माउस कौटा गोटे माउस रो टाइप नुहे से पचारि वायरलेस माउस ऑप्टिकल माउस मेकानिकल माउस इलेक्ट्रो मेकानिकल माउस तो देखो वायरलेस माउस अच्छी आम से जानते समस्ते ऑप्टिकल माउस अच्छी और मेकानिकल माउस अच्छी किंतु इलेक्ट्रो मेकानिकल सेमती किसी ना ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर इलेक्ट्रो मेकानिकल माउस इज ए नॉट नॉट ए टाइप ऑफ माउस इलेक्ट्रो मेकानिकल गोटे टाइप ऑफ माउस नुहे ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस या भितर कौटा गोटे पॉइंटिंग डिवाइस बोली से पचारि कौटा गोटे पॉइंटिंग डिवाइस अटे माउस ट्रैक बॉल रही जॉयस्टिक लाइट पेन रही टच स्क्रीन रही ऑल रही कौटा आमर पॉइंटिंग डिवाइस अटे तो देखो माउस द्वारा आम पॉइंट कर पॉइंट आउट कर ट्रैक बॉल द्वारा कर जॉयस्टिक लाइट पेन आउ टच स्क्रीन तो सब गुड़ाक तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द एबव बा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच डिवाइस इज मोस्टली यूज टू एंटर डाटा और इनफर्मेसन इन ए कंप्यूटर सिस्टम से कहे कंप्यूटर सिस्टम रे आम डाटा और इनफर्मेस को
एंटर करिया पई मोस्टली कोडा यूज करछंती कंप्यूटर रे आमे डाटा जे कोनसी डाटा बा इन्फॉर्मेशन को एंटर करिया पई मोस्टली आमे कीबोर्ड रे यूज करछंती कीबोर्ड रो यूज कर अधिक कोडा यूज करछ अधिक कीबोर्ड ही यूज करछंती तो ऑप्शन नंबर डी हेबो करेक्ट आंसर कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपन माने पई नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस या भितर कोटा इनपुट डिवाइस नुहे से पचार छि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इनपुट डिवाइस कोटा इनपुट नुहे कीबोर्ड ट्रैक बॉल लाइट पेन बारकोड रीडर ओएमआर ओसीआर एमआईसीआर बायोमेट्रिक सेंसर स्कैनर माइक प्लॉटर प्रोजेक्टर हेडफोन कोटा इनपुट नुहे से पचार छि तो देखंतु कीबोर्ड ट्रैक बॉल लाइट पेन एगुडा कोछि हमर इनपुट अटे बारकोड रीडर ओएमआर ओसीआर एमआईसीआर एगुडा मते इनपुट अटे बायोमेट्रिक सेंसर स्कैनर माइक एगुडा मते इनपुट अटे किंतु प्लॉटर प्रोजेक्टर हेडफोन्स प्रिंटर एगुडा कप मानकर आउटपुट अटे इनपुट नहे कोटे इनपुट नहे प्लॉटर प्रोजेक्टर हेडफोन्स एगुडा को हमर आउटपुट डिवाइस अटे नॉट इनपुट ऑप्शन नंबर डी हे जीव करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंप्यूटर गेट्स द इनपुट विद द हेल्प ऑफ से कौन कंप्यूटर इनपुट नब क्या साहय से इनपुट नौ माउस एंड कीबोर्ड जॉयस्टिक प्रिंटर ना बोथ एंड बी तो कंप्यूटर इनपुट पाच क्या द्वारा ना माउस एंड कीबोर्ड द्वारा एंड जॉयस्टिक द्वारा ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट रही ए डिवाइस दैट अलाउज एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड से कौच जे गोटे डिवाइस जहाँ द्वारा कंप्यूटर रे डाटा एंटर इंस्ट्रक्शन गुड़ाक एंटर ताको कौन कहुए ता कौन कहुए ना इनपुट बोली कहुए जहाँ द्वारा एंट्री होची डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कहुए इनपुट बोली कहुए ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पावर पॉइंट प्रोग्राम वाज क्रिएटेड बाय से कौन पावर पॉइंट प्रोग्राम को किए क्रिएट कर पावर पॉइंट प्रोग्राम कहाँ द्वारा सृष्टि ना किए यहाँ बन पावर पॉइंट प्रोग्राम को बन रॉबर्ट गास्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन रॉबर्ट गास्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन बन पावर पॉइंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द कोर ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रो कोर कौटा से पचार कोर हूँ कौटा ना आमर कर्नल कर्नल हूँ कोर ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर कर्नल। नेक्स्ट रही एनियक कंप्यूटर बिलंग्स टू एनियक कंप्यूटरटा कौ जेनेसन रे पचार एनियक कंप्यूटर हूँ फास्ट जेनेसन कंप्यूटर एनियक फुल फॉर्म हूँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एनियक फुल फॉर्म हूँ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर एटा हूँ फास्ट जेनेसन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फास्ट जेनेसन कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेस आर अल्सो कॉल्ड क्रैकर्स क्या क्रैकर्स बोली कह जाए से पचार तो आम क्रैकर्स क्या कहुए ना ब्लैक हेड हैकर्स को कहुए क्रैकर ब्लैक हेड हैकर्स हैकर्स को कहुए क्रैकर्स क्रैकर कहुए क्या ना ब्लैक हेड हैकर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पेरिफेरल्स आर पेरिफेरल क्या कहुए पेरिफेरल्स क्या कहुए से पचार ए पार्ट ऑफ द सीपीयू ना आउट ऑफ द डिवाइस अलोन इनपुट डिवाइस ना इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पेरिफेरल्स क्या कहुए ना आम जो कंप्यूटर में जहाँ किसी लगुच इनपुट आउटपुट आउ सेकेंड स्टोरेज डिवाइस तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस जहाँ किसी रही सब गुड़ाक आम कंप्यूटर को कनेक्ट होगुड़ाक कहुए आम पेरिफेरल्स कहुए ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल डीएसएल रो फुल फॉर्म से पचार डीएसएल रो फुल फॉर्म होची डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द शॉर्टकट की टू जंप टू द फर्स्ट लाइन इन वर्ड डॉक्यूमेंट तुम्हें वर्ड डॉक्यूमेंट रे किसी काम करुच तुम्हें माने वर्ड डॉक्यूमेंट रे किसी काम करुच तुम्हें गोटे लाइन दी लाइन तीन लाइन चार लाइन पांच लाइन आप लिखे लिखे जाइ तुमको कौन दरकार अच्छे प्रथम लाइन को जीपे कौन करेंगे पंचम लाइन रू प्रथम लाइन को जंप करने कौन करेंगे कौन कौ की मारे ना कंट्रोल प्लस होम जब मारे आप डायरेक्ट फास्ट लाइन को पलिजी जहाँ किसी एडिट करार अच्छे आप एडिट करें तो कंट्रोल प्लस होम सर्टकट की द्वारा आम
वार्ड डॉक्यूमेंट रे किसी काम करते हैं फास्ट लाइन को जापर तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्टेनिंग टू ईमेल से कहते ईमेल संबंधी कौटा नुहे कौ टर्मटा नुहे से पचार रिसीवर सेंडर इनबॉक्स पावर पॉइंट तो आमर ईमेल सहित तो कौ टर्मटा संपर्कित नुहे से पचार ईमेल रिसीवर रोचा मैंने किए मेल कला से रिसीव कर रिसीवर पॉइंट आम शुणुंट सेंडर किए सेंड कर सेंडर रोच इनबक्स रोच इनबक्स रोच मेल बक्स रोच कि पावर पॉइंट सेमती किसी ना तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हाट इज द स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मेसेज कॉल्ड से कहे आमर जो ईमेल मेसेज जो स्टोरेज एरिया रही है कौन कह जाए ईमेल मेसेज जो आसूरी स्टोर होकर रोचे कौन कह जाए से स्टोरेज एरिया को कहा जाए कौन ना ए मेल बॉक्स बोली कहा जाए कौन कह जाए ए मेल बॉक्स बोली कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौटा गोटे सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस बोली से पचार सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौटा से पचार तो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हूँ डिस्क ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट डिस्क आमर जहाँ किसी डिस्क रही से गुड़ा हूँ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये आपको टोटल 50 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले आप आउट ऑफ 50 केत मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई पारिबे जदि भिडियो भल लगुच गोटे लाइक करेंगे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया सांगसाथी मानक निहाती भावे शेयर करेंगे आउ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं ताकत ऑल बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाद्वारा आप समस्त वीडियो नोटिफिकेशन पाई। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।